मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा की कद्दावर नेता यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। चुनाव न लड़ने का ऐलान करते हुए यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मेरा यह फैसला अटल है। शिवपुरी में अपनी मां की विशाल प्रतिमा का अनावरण करने पहुंची खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव न लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की कद्दावर नेता और शिवपुरी से विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मैंने हमेशा अपनी मां के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास किया है। ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला पल है। अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। चुनाव न लड़ने की मेरी भावना अटल है। अब मैं टाटा गुड बाय कहती हूं। आपको बता दें कि कई बार कोरोना से संक्रमित होने की वजह से यशोधरा पहले ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी थी। निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूँ। मैं सबके साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक तरह से ये मेरा गुड बाय है। और मैं समझती हूँ कि पितृ पक्ष के समय में मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ मेरी माँ के लिए और मेरे फादर के लिए। आज ये प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे मेरा मन भर रहा है कि पितृ पक्ष में मैंने मेरी माँ की सच्ची श्रद्धांजलि दी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।